The next thing in this chapter is formation of dyes. ठीक है, तो आप पूछेंगे कि यार इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, तो वो फॉर्मेशन ऑफ डाइज नहीं थी, वो तो सिंपल डाइज की जो प्रोडक्ट से होते हैं वो तो वो थे। ठीक है, इस फॉर्मेशन ऑफ डाइज को हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास रिएक्शन है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा अच्छा। ठीक है, अब जब इस चीज को हम डालेंगे एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा देन गेन फिनोल OH प्लस H पॉजिटिव एंड दिस सेंट दैट विल फॉर्म, इसको हम एजो डाई कहते हैं, एंड दिस लिंकेज is known as azo linkage. ठीक है, और ये जो डाय आपके पास बना है ये है ऑरेंज डाय। ठीक है, ऑरेंज कलर में। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली रिएक्शन है। इसकी थोड़ी सी बात मैं कर दूं कि देखिए जो बेंजीन डाइअजोनियम मैंने बनाया है, कहां है बेंजीन डाइअजोनियम भी आप पूछ रहे हैं, तो वो ये है। तो ये जो बेंजीन डाइअजोनियम है दिस आल्सो एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ डाई। अब इसका क्वेश्चन जो है वो कितना आता है पेपर में वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखें एग्जामिनर जो है वो बेसिकली आपसे पूछेगा, एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉन होगा, एक बॉक्स यहाँ पर ड्रॉन होगा, ठीक है, और नीचे जो है इधर वो एक बहुत बड़ा बॉक्स ड्रॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इस तरह उसमें एरोज दिए हुए होंगे, यहाँ पे प्लस लिखा होगा और यहाँ पे जो है वो इस तरह एरो ड्रॉन होगा। ठीक है, कि भाई इधर से क्या बनता है, और इधर हो सकता है कि उसने जो है वो प्रोडक्ट बनाया हुआ हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, एन डबल बॉन्ड एन
and CH3. तो इस तरह जो है वो प्रोडक्ट उसने बनाया हुआ है। तो अब आपको कहेगा कि इसकी रिएक्टेंट्स लिखें। तो इसकी रिएक्टेंट्स आप कैसे लिखेंगे? आप जो है सिंपल सी कहेंगे कि इसकी एक लाइन जो है वो यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो है ये दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा। और इधर जो है यहाँ से आप जो है वो लाइन ब्रेक करेंगे सिंपली एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा और एक प्रोडक्ट जो है वो ये बन जाएगा। और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा? आप जो है वो एक इधर ये एन डबल बॉन्ड ट्रिपल आएगा, ठीक है। और इधर जो है आप इसको एन CH3 एंड CH3 करके इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह आपको 3 या 5 मार्क्स, इतने भी 3 मार्क्स ही होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आप करके इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस किस्म का पेपर में आ सकता है। तो जब हम टॉपिकल्स करेंगे तो इसमें इसको इंशाल्लाह हम जरूर देख रहे होंगे, ठीक है।